सुजैन दोस्तों, फिर से आपका जेकब सेल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है, टॉपिक का आप ये कह सकते हैं कि यूजेस, ठीक है, जो कि आपको वो ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको ज़रूर मदद करेगा। जैसे आप ढेर सारे यूज पढ़े होंगे ना, तो उसी प्रकार से आपको ना तो लर्न करने की जरूरत है, ना तो रटने याद करने की जरूरत कोई नहीं है। आपको बस एक बार देख लेना है और उसको आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको आना आता है। जैसे मान लीजिए कि विल सब्जेक्ट प्लस विल डू, ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी कि कोई हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, या तो और मतलब थिंग्स भी हो सकते हैं आपके। और विल डू, सब्जेक्ट प्लस विल डू, विल डू का आपका यहाँ पे अर्थ ये है कि विल डू यानी कि उस वस्तु से काम चल जाएगा, ठीक है, से काम चल जाएगा उस। तो देर न करते हुए जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस समय, मान लीजिए हम मोबाइल से वो कैमरे से शूट कर रहा हूँ, तो कैमरा विल डू यानी कि कैमरे से काम चल जाएगा। स्टैंड विल डू, स्टैंड से काम चल जाएगा। इस प्रकार से आप पढ़ने जाते हैं, बाइक विल डू, बाइक से काम चल जाएगा, ठीक है। और पेन विल डू, जिससे हम राइट करते हैं, लिखते हैं। कॉपी विल डू, ठीक, जिस पे हम राइट करते हैं। बुक्स विल डू, किताबों से काम चल जाएगा, ठीक। कार विल डू, बैग विल डू, बॉटल विल डू, जिससे हम पानी पीते हैं, हम लोग वॉच तो लगाते हैं। मोबाइल विल डू, ठीक है, इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं। शर्ट विल डू, जिसको इसमें हम पहने हैं, ठीक है। माइक विल डू, जिससे हम बोल रहे हैं, इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। बेड विल डू, जिस पे हम सोते हैं, इस प्रकार से। बाथ विल डू, नहाने से काम चल जाएगा। टाग विल डू, लाफ विल डू, इस प्रकार। और इस प्रकार से जो हमने बताया आपको, स्पीकिंग करने में बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत इजीली से सीख सकते हैं और ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।